पकौड़ा महज पकौड़ा नहीं भविष्य बनाने का महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री की सलाह के बाद पकौड़े को केंद्र में रखकर अब संविदा स्वास्थ्यकर्मी अपनी लड़ाई लड़ेंगे। पूरे प्रदेश के साथ रीवा में भी संविदा स्वास्थ्यकर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। हड़ताल के चौथे दिन संविदा स्वास्थ्यकर्मियों के समर्थन पर पूरा कर्मचारी अमला उतर आया। आज अनशन स्थल पर सपाक्स परिवार के साथ कई समाज सेवी भी नजर आए। संविदा स्वास्थ्यकर्मियों की हड़ताल का सीधा असर अस्पताल में नजर आ रहा है। यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर में नजर आ रही हैं। यहाँ पर रोगियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। चलिए, ये तो रही स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल की बात। इसी हड़ताल के चौथे दिन एक रोचक नज़ारा देखने में नज़र आया। हम आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री ने अभी कुछ दिनों पूर्व अपने एक इंटरव्यू में पकौड़े को रोजगार से जोड़ा था। उन्होंने कहा था, पहले आपको वह सुनवाते हैं। मोदी जी, हर बार रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनता है, और जब आप आए थे तो आपने वादा भी किया था कि आप रोजगार उपलब्ध कराएंगे, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अब जब लगभग 1826 दिन में से 1334 दिन बीत चुके हैं और आप अपना रिपोर्ट कार्ड निकाल कर देखते हैं, तो आप संतुष्ट हैं क्या? आप लोगों का जीवन बदल पाए, नए रोजगार, नौकरियां, और नौकरियां ही नहीं, लोगों के जीवन में जो परिवर्तन लाने का जो आपने वादा किया था, वो कितना पूरा हुआ? कोई न कोई व्यवसाय करेंगे, कमाई करेंगे, कोई एकाध व्यक्ति को रोजगार देंगे, कोई ऑटो रिक्शा चलाएगा, कोई पकौड़े की दुकान करेगा, कोई चाय की दुकान करेगा, कोई अखबार बेचने का काम करेगा, कोई कहीं डिपॉजिट देकर के और एजेंसी लेगा। ये सब चीज़ें रोजी रोटी कमाने की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है, इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? अब उसको आप देखोगे कहीं आंकड़ों सरकारी दफ्तर नहीं है, आंकड़े में नहीं है, तो ऐसी व्यवस्थाएं बहुत हो रही है। तो सुना आपने प्रधानमंत्री की यह बात। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, किस संदर्भ में कहा था, हम इस पर बात नहीं करना चाहते। आपको यह दिखाने जा रहे हैं कि रीवा में इस बात का कितना असर हुआ है, कैसे हुआ है। जैसे कि आप अपनी TV स्क्रीन में देख पा रहे हैं, संविदा स्वास्थ्यकर्मी अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए किस तरह से देश के प्रधानमंत्री की बात का अनुसरण कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री की बात का अनुसरण करेंगे, शायद यही करके हम अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं। नहीं चलेगा, मामा तेरी तानाशाही। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मामा तेरी तानाशाही। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अभी हम लोग जो है यहाँ पे सभी संविदा कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के यहाँ पे पकौड़ा तल करके विरोध दर्ज कर रहे हैं, और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने ये एक बड़े सहजता से कह दिया कि एक रोजगार जो है पकौड़ा तल के अपना जीवन यापन कर सकता है। कर्मी आपके रहते अब पकौड़ा बेचने की स्थिति हम सब लोगों की निर्मित हो गई है। यह सरकार, भाजपा की जो सरकार है, जो हमारे केंद्र पे है,